हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रणवीर दीतिमन। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से जो 4 राज्यों में वैकेंसी आउट की गई, यहाँ पर क्या योग्यता है, क्या उम्र मांगी गई है, सारी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करें, शुरुआत जो है वो कहाँ से करें, यहाँ पर टेस्ट होगा या इंटरव्यू से ही ये लोग आपको ले लेंगे, तो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने जानकारी लेकर और फिर मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें पता लग जाए। तो बहुत अच्छे से जो है वो वीडियो को देखना है, बिल्कुल एंड तक देखना है, सारी बातें समझ में आ जाएँ, क्योंकि छोटी सी जो मिस्टेक होती है वह आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देती है और आप लोग तैयारी करते ही रह जाओगे। तो चलिए सबसे पहले ज़ीरो से मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपको। तो जिनको कुछ भी नहीं पता है, सबसे पहले गूगल पर आप लोग सर्च करेंगे अजीम प्रेम जी स्कूल, ठीक है। जैसे ही आपने सर्च किया, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है अजीम प्रेम जी स्कूल, ठीक है। तो ये जो है साइट है, यहाँ पर अजीम प्रेम जी foundation.org, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन करियर सेक्शन। करियर सेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो सैम्पल MCQs का है वह भी मैं आपको बताऊँगी। तो करियर सेक्शन में जैसे ही आप गए, रिक्रूटमेंट इवेंट, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो। जैसे ही आपने नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो ये तीन जो है वो लाइनें आपको नज़र आ गई हैं, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर। तो रिसोर्स पर्सन पोजीशन के लिए आपको क्लिक करना है तो यहाँ क्लिक करें। अगर आपको स्कूल टीचर के लिए क्लिक करना है तो आप यहाँ क्लिक करें। तो सेकेंड वाले पर मैं क्लिक कर देती हूँ और ये पेज जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पर स्कूल टीचर के लिए आ गया है। यहाँ पर फाइंड अपॉर्चुनिटी क्या है, 4 जगह हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान। जहाँ भी आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो उस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको बता देती हूँ राजस्थान में जैसे आपको करना है, तो इस पर आपने क्लिक किया, ये पेज जो है वो ओपन हो गया। सबसे पहले आपको पढ़नी है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी क्या कहा गया है इस जॉब के बारे में, क्या क्या चाहिए, क्या डिमांड है इनकी। तो यहाँ पर आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, ट्रेंड प्री प्राइमरी टीचर के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, किसके लिए कर रहे हो, तो ये आप देख लें। सब्जेक्ट जो है क्या है, तो इंग्लिश है, हिंदी है, कन्नड़ है, मैथ्स है, साइंस, सोशल साइंस, स्पेशल नीड, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये तो आपके सब्जेक्ट रहेंगे स्कूल टीचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन, मैंने आपको पहले भी बता दी थी लेकिन दोबारा बता देती हूँ। क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री आपके जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें, और साथ में टीचिंग डिग्री, BEd, DEd और DLEd। एक बच्चे ने पूछा कि DLEd जो है उनका अपीयरिंग चल रहा है लेकिन यहाँ पर कंप्लीट मांगा है, ठीक है। अपीयरिंग अगर लिखा होता तो मैं आपको बताती, यहाँ कंप्लीट आपने कर रखा है तो ही आप अप्लाई करें। 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, देखिए ऐसा होता है, एक्सपीरियंस अगर नहीं है, डिजायरेबल होता है एक्सपीरियंस, नहीं भी है तो भी चलता है, और है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंटरव्यू में आपका जो है वो सबसे पहले आपको प्रेफर किया जाएगा। तो अब एबिलिटी टू टीच इन इंग्लिश कपल्ड विद नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो आपकी आनी चाहिए। राजस्थान के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो राजस्थानी लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश भी पढ़ानी आनी चाहिए और हिंदी तो आनी ही चाहिए, तो हिंदी तो जो है सभी को आती ही है। तो ये दूसरी चीज़ जो है वो मैंने क्लियर कर दी है। थर्ड जो पूछा गया कि इसमें टेस्ट होगा या आपका जो है इंटरव्यू ही होगा, तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है टेस्ट डेट ऑफ वेन्यू, एप्लीकेंट शुड चूज द नियरेस्ट टेस्ट सेंटर फ्रॉम देयर करेंट प्लेस ऑफ स्टे, यानी आप जहाँ पर रह रहे हैं वहीं के नज़दीकी जगह जो है उसको आप सेंटर जो है वो आप चूज़ करेंगे टेस्ट के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये कि आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप चाहते भी हैं कि मेरे नज़दीकी जो है वो सेंटर आ जाए, तो उसे आपको फॉर्म में भरना है नज़दीकी जगह को, ठीक है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देंगे। तो ऑप्शन जो है वो आपको बिल्कुल जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ आपको नज़र आएंगे ही। उसके बाद देखें स्किल रिक्वायर्ड जो है वो टीचर, स्कूल टीचर, टीचिंग, पेडागोजी, लेसन प्लानिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, ये स्किल चाहिए। तो इसी टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, टेस्ट में क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के पूछे जाएंगे, ये जो जितने भी दिए हुए हैं, यानी टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है, स्कूल टीचर किस तरीके का होता है, क्या क्या जो है उनको नॉलेज होनी चाहिए, टीचिंग की क्या नॉलेज होनी चाहिए, पैडागोजी की लेसन प्लान आपको बनाना आना चाहिए, करिकुलम डेवलपमेंट, ये सारी ही चीज़ें आपके टेस्ट में पूछी जाएंगी। आपने ये पढ़ लिया है, राजस्थान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही ये पेज ओपन हुआ अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ें जो है वो फिल कर लेनी है।
जैसे पर्सनल डिटेल है, ठीक है, और एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, क्वालिफिकेशन है, ये सारी की सारी जो है वो आप फिल कर लेंगे, ठीक है। अब भाषा जो है यहाँ पर लैंग्वेज नॉन, यानी आपको कौन सी भाषा जो है वो पढ़नी, लिखनी और बोलनी, ये तीनों आनी चाहिए। राजस्थान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है हिंदी पढ़नी, लिखनी, बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश जो है वो पढ़नी, लिखनी, बोलनी आनी चाहिए, ठीक है, और आपकी जो खुद की जो लैंग्वेज है, राजस्थानी लैंग्वेज, वह भी आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर ही आपको राजस्थानी लैंग्वेज में बोलने को कहा जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत जो है वो नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। लास्ट में आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे इस फॉर्म को, ठीक है। फीस वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि फीस जो है वो मांगी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है। इसी तरीके से जो है वो आप हर जगह के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब जो है मैं आपको बताऊंगी कि टेस्ट जो आपके क्वेश्चन किस टाइप के जो है वो आएंगे। तो एक छोटा सा जो है पीडीएफ मैंने डाउनलोड की, जिसमें इंग्लिश के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको दिखाई देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और चार ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं, ठीक है। वही एजुकेशन से संबंधित जो है वो प्रश्न होंगे, और आप देख सकते हो इन्फेंट यानी बच्चों से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे पैडागोजीज के, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एनसीएफ है, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। ये सारी चीज़ें आप बीएड में कर चुके हो, वही चीज़ें यहाँ पूछी जाएंगी, ऐसा कुछ भी अनोखा नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ा एक बार और जो है वो अच्छे से देख लें किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश के हैं, तो मुझे इंग्लिश के ही जो है सैम्पल एमसीक्यू जो है वो बहुत मैंने जो है वो ढूंढा जब जाके मुझे मिले, क्योंकि बच्चों का यही प्रश्न, कई बच्चों का यही प्रश्न था कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के पूछे जाएंगे, हम तैयारी जो है वो कैसे करें। देखिए बीएड की जो बुक्स होंगी आपके पास, तो उन चीज़ों को जो है वो आप दोबारा से पढ़ें जो जो यहाँ पर कहा गया है। जैसे कि स्किल रिक्वायर्ड में जो है क्या क्या मांगा गया है, तो टीचर, स्कूल टीचर, टीचिंग पैडागोजी, लेसन प्लानिंग और करिकुलम डेवलपमेंट, ये आपका सिलेबस है, ये समझिए आप, ठीक है। तो इसी से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसे जो है वो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और बहुत अच्छी जो है वो जॉब है। तो एक बच्ची ने ये भी पूछा कि यहाँ पर दो कैंडिडेट जो हैं, जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने यहाँ अप्लाई किया और 40,000 समथिंग जो है वो यहाँ कमा भी रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ इसी तरीके से जो है वो अगर आप लोग लगते हैं तो आपको भी बहुत अच्छी जो है यहाँ पर सैलरी मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।